जसपुर जिले के पत्थलगांव पुलिस ने एक आरोपी के घर से 21 किलोग्राम गांजा समेत एक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पत्थलगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पत्थलगांव थाना क्षेत्र के चंदागढ़ भैंसा मुंडा गांव में एक महिला ने अपने घर में 21 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा रखे हुई है, जिसे उड़ीसा से लेकर अन्य जगह खपाने की तैयारी में थी। यहां पुलिस ने दबिश देकर महिला के घर से 21 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि एक उड़ीसा से गांजे का बड़ी खेप लाकर खपाने के उद्देश्य से घर में रखा हुआ था। यहां पुलिस ने दबिश देकर एक महिला को गिरफ्तार कर 20B NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो इस मामले के लगातार संलिप्त रहे एक अन्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। बता दें कि जसपुर जिले पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर नकेल कस रही है। पीलीडी पत्थलगांव से मनोरंजन दास महंत की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना मिली कि संपत्ति चौहान निवासी भैंसा मुड़ा की अपने घर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखी हुई है, जिसकी सूचना पर गवाहों एवं हमराह स्टाफ के जाकर रेड कार्रवाई किया गया, जहां पर संपत्ति चौहान के घर से 21 किलो अवैध रूप से रखा हुआ गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान संपत्ति चौहान बताई कि उसके एक अन्य साथी के साथ उड़ीसा से गांजा लाकर बाहर खपाने के नियत से अपने घर में रखा गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए धारा 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संपत्ति चौहान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य एक आरोपी फरार है, जिसका पता तलाश जारी है।